चलिए सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 के बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है जिसका आज दूसरा दिन है। और बात करें बिहार विधान परिषद के भीतर चल रही कार्रवाई की, तो ये सत्र पूरी तरीके से हंगामेदार है, जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रही है। सरकार पर कई तरह के आरोप मढ़े जा रहे हैं, सरकार से सवाल जवाब किया जा रहा है। और इसी बीच हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बिहार विधान परिषद के सभापति को एक्शन लेना पड़ा। इतना ही नहीं, बिहार विधान परिषद के भीतर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी की आमने सामने की टक्कर हुई, जहां दोनों के बीच बेहद बहस छिड़ गई और ये बहस मोहन भागवत और भारतीय सेना तक जा पहुंची, जिसके बाद पूरा सत्र बेहद हंगामेदार हो गया। लोगों के द्वारा हंगामा किया जाने लगा सदन के भीतर, जिसके बाद बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सदन को स्थगित कर दिया है। सीधी तस्वीर हम आपको बिहार विधान परिषद की दिखाएंगे, देखिए इस वीडियो को। सेना का अपमान नहीं हो ये मुद्दा है। यदि मंत्री जी ने माफी मांगा है, जो संजय सिंह जी ने कहा, तो इस विधानसभा में विधान परिषद में आके बोले कि हमने माफी मांगा। नहीं नहीं, एक मिनट, सभापति महोदय, माननीय जो सदस्य, सभापति महोदय, यहाँ सेना के अपमान की बात चल रही है। माननीय सदस्य, सभी लोग जो है बड़े व्याकुल हैं कि सेना का अपमान किया जा रहा है, और जो लोग अपमान कर रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। हम अभी यही जो टेक्नोलॉजी लगा, हम यही गूगल पे स्टेटमेंट सर्च कर रहे थे, तो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हम देखे, इसमें मोहन भागवत जी का बयान आता, आर्मी टेक्स मंथ्स, RSS can prepare a force within 3 days. यानी ये कह रहे कि आर्मी को बॉर्डर पे लड़ाई के लिए, टू फाइट ऑन बॉर्डर, ये सामने आर्टिकल है महोदय। ये एक मिनट, ये सेना का अपमान है महोदय। मतलब ये अध्यक्ष महोदय मोहन भागवत का कहना कि सेना को महीनों लगता है तैयारी के लिए, आरएसएस वाले तो 3 दिन में तैयार कर देगा सेना। ये तो सेना को नीचा दिखाने की बात है महोदय। ये सामने महोदय आर्टिकल है, अब इस पे इनका क्या कहना, मांगिए मोहन भागवत जी से माफी। ये तो सामने, और ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे सैकड़ों आर्टिकल ले जाने का कांग्रेस के बकवास बात, कहां से ये बात, कौन सेना का अपमान कर सकता है। स्तर पर परेड होता है, उसमें भी संघ के लोग गए कांग्रेस के नेतृत्व में, ये जानना चाहिए जी का बोला हुआ है। तो कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट है, देखिए ना, आप सर्च कीजिए ना, तो आप मान रहे मोहन भागवत जी गलत बोले हैं। अरे मोहन भागवत गलत बोले हैं, नहीं अरे ये गलत नहीं है, सदन के गलत नहीं है, गलत है मुख्यमंत्री जी, वो सदन के सदस्य नहीं है। देखिए आपके तो कर्ता धर्ता वही है ना, आपके कर्ता धर्ता वही है, सदन के सदस्य नहीं है, आपके तो सब कुछ है। वो बोलेंगे इधर चलो तो आप चलेंगे उधर, सहयोगी संस्था हो सकता है। माननीय नेता विरोधी पक्ष, माननीय संतोष जी, आरएसएस मतलब बेहतर है सेना से, आपका कहने का मतलब है कि आरएसएस बेहतर है, क्या बकवास बात है। अरे हम देश के, आप अपमान कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप मोहन भागवत के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं, तो आप भी सेना का अपमान कर रहे हैं, देश के लिए मर सकते हैं। माननीय सदस्य संतोष जी, एक सेकेंड, माननीय सदस्य, चलिए सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 के बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।